नमस्कार, सुस्वागतम। मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आपका भाग्य गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम खास कार्यक्रम लेकर के आपके पास आए हैं। कुछ ऐसे महाउपाय भी बताने जा रहा हूं जिससे धन बरसेगा, आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। सावन का शुक्रवार है तो इस महाउपाय के साथ खास महत्व क्या है, और महाउपाय के साथ हर दिन की तरह आपको आपका राशिफल भी बताऊँगा। लेकिन शुरुआत करते हैं आज के महामंत्र से। आज का महामंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र महालक्ष्मी माँ का है, जो जगत के अधिष्ठात्री देवी हैं, और इस मंत्र को कम से कम 21 बार 24 बार एक माला तीन माला आप अगर जपते हैं, और ये ध्यान रखना है कि जिस इस मंत्र का जो आप जप करेंगे, अगर कमलगट्टे के माले से जपते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ध्यान रखना है कि शुद्ध वस्त्र पहन करके और कमल का पुष्प माँ को अर्पित करें। आपकी इच्छित आपके घर में धनागम होगा। जो भी इच्छा होगी कि हमारे पास धन होगा, तो इच्छित धन वर्षा होगी आपके घर में। तो इस मंत्र का आप जप करें, आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। अब हम बात करेंगे आज के पंचांग की। आज है 22 जुलाई 2022, दिन है शुक्रवार, नौमी तिथि है, जो सुबह 9:34 तक रहेगा। भरणी नक्षत्र जो शाम 4:52 तक रहेगा। कृष्ण पक्ष है, सूर्योदय हो चुका है 5:36 पर। प्रातःकाल सूर्यास्त होने का समय 7:18 पर। आज चंद्रमा रहेगा मेष राशि में। शुभ समय 11:59 से लेके 12:54 तक अपराह्न काल तक रहेगा। राहु काल है सुबह 10:44 से लेकर के दोपहर 12:27 तक रहेगा। और दिशाशूल है, पश्चिम दिशा का दिशाशूल है, यात्रा करने से परहेज करें। अब हम बात करेंगे आज के 12 राशियों के बारे में कि किस राशि का भाग्योदय होगा, किसको धन लाभ होगा, किसके घर में शुभ कार्य होगा, कौन भूमि भवन खरीदेगा, कौन कृषि योग्य भूमि खरीदने वाला है, कौन विज्ञान के क्षेत्र में चमत्कारी कार्य करने वाला है, और कौन किस क्षेत्र में प्रगति करेगा, किसको सरकारी नौकरी मिलेगी, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। जो मेष राशि के जातक हैं, आज आपकी जो परिवार में समस्याएं हुई हैं समाप्त होंगी और पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी होगी। पदोन्नत होने की संभावनाएं बन रही है। भूमि से लाभ का योग बन रहा है। दाम्पत्य जीवन में उत्तरोत्तर सुधार होगा। समय की स्थिति बहुत अच्छी है, और थोड़ा सा तनाव हो सकता है तो तनाव से बचने की जरूरत है। और प्रॉपर्टी को लेकर के अगर कोई विवाद चल रहा हो अभी सॉल्व होगा, और सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बन रही है। और बच्चों की टेरिटरी में दखलअंदाजी न करें, नए तरह के कार्य हो सकते हैं। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, आज को अपने मन को एकाग्र रखना है। उपाय क्या करना है, गाय को हरा चारा खिलावें, और आज भगवान भोलेनाथ का दिन है तो आप एक लोटा जल भांग धतूर भगवान भोलेनाथ को नमः शिवाय मंत्र के साथ जरूर अर्पित करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है नीला, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे वृष राशि की। तो जो वृष राशि के जातक हैं, आज आपके आर्थिक दृष्टिकोण से आपका सर्वोत्तम समय चल रहा है। लेखन कार्य से आज आपको धन मिलेगा, और आपकी सलाह बहुत कीमती होगी। आपके परिवार में शुभ कार्य हो सकता है। भाग्य से आज आपके सारे कार्य संपन्न होंगे। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बनी रहेगी। रियल इस्टेट से आज आपको पैसा मिलने का योग बन रहा है। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, अपनी गोपनीयता बनाए रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करें, और उनको एक लोटा जल भांग धतूर जरूर अर्पित करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। आज आपके लिए शुभ अंक है 2, और शुभ रंग है सफ़ेद, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। तो जो मिथुन राशि के जातक हैं, आज आपका समय बड़े अच्छे हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर कार्य संपन्न होगा। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अपने मन स्थिति को संतुलित रखें। आय के अनेक स्रोत बढ़ेंगे। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के जो चिंता है वो समाप्त होगी, और माली हालत दूर होगी। दूर देश की यात्रा का योग बन रहा है। और आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, अपने वाणी पर नियंत्रण रखना है। इमोशनल होकर के कोई निर्णय न लें। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है हरा, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। तो जो कर्क राशि के जातक हैं, आज आपकी योजनाओं से बड़े पैमाने पर लाभ मिलते हुए दिख रहा है। गुस्से पर नियंत्रण करने की जरूरत है, और आज आपको विदेश गमन का भी योग बन रहा है। और आज आपको अकारण मन आपका चिंतित हो सकता है, मन में सुरक्षा की भावना आ सकती है। तब पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें। सावधानी क्या बरतनी है, नकारात्मक सोच से दूर रहना है।
उपाय क्या करना है, चंद्रमा को अर्घ देना आपके लिए अच्छा रहेगा और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल, भांग, धतूर, बेलपत्र जरूर अर्पित करें, अच्छा रहेगा। शुभ अंक 4, शुभ रंग है सफ़ेद, लक मीटर 8। हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे सिंह राशि की। तो जो सिंह राशि के जातक हैं, आज आपके परिवार में बहुत सारे अच्छे कार्य हो सकते हैं, समय अनुकूल है और आपके परिवार में शुभ कार्य भी होने का योग बन रहा है। प्रॉपर्टी तरह से लाभ होगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में आपका यश बढ़ेगा, प्रतिष्ठा फैलेगी और आय के स्रोत बढ़ेंगे और परिवार में कुछ इस तरह के कार्य होंगे जो बहुत दिन से चिर प्रतीक्षित है। कोई बुजुर्ग व्यक्ति, उसके स्वास्थ्य भी ठीक होगा और नए तरह के कार्य करने का भी अवसर मिलेगा। और आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, भावुकता में आके कोई निर्णय नहीं लेना है। उपाय क्या करना है, गाय को रोटी खिलाना है और आज एक लोटा जल भगवान भोलेनाथ को जरूर अर्पित करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग है लाल, लक मीटर 7। हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे कन्या राशि की। तो जो कन्या राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि शेयर से, ट्रेडिंग से लाभ मिलेगा। पारिवारिक स्थिति आपकी सुदृढ़ होगी। आलस्य में काम आपका बिगड़ सकता है, तो आलस्य का परित्याग करके अपने लक्ष्य तरफ लग जाए। बच्चों से थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, आय के साधन बढ़ेंगे। भूमि भवन इत्यादि से लाभ मिलेगा और प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा, नए तरह के कार्य कर सकते हैं। सावधानी क्या बरतनी है, अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और आज भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल जरूर चढ़ावें। शुभ अंक 3, शुभ रंग आसमानी, लक मीटर 8। हरे कृष्ण। अब आइए हम बात करते हैं तुला राशि की। तो जो तुला राशि के जातक हैं, उनके लिए आज मान सम्मान बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग बन रहा है और आज आपके भाग्य से सारे कार्य संपन्न होंगे। भाग्य आपके अनुरूप है, नया व्यापार करने का अवसर मिलेगा और माता पिता का सुख मिलेगा, भाइयों का सुख मिलेगा। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें सरकारी नौकरी मिलने की भी संभावना बन रही है। सावधानी क्या बरतनी है, अपनी योजनाओं को गुप्त रखना है और उपाय क्या करना, अपने भार के बराबर हरा चारा दान करना है और सावन का महीना चल रहा है, आप बेलपत्र और भांग धतूर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला, लक मीटर 9। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान देना है कि अपनी वाणी पर नियंत्रण करना, आपके परिवार में शुभ कार्य होने का योग बन रहा है। विभिन्न प्रकार के क्षेत्र से धन मिलते हुए दिख रहा है। परिवार में थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, आपका मन अकारण चिंतित हो सकता है, आप वाद विवाद करने से बचें, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी न खरीदें। यदि आप रियल इस्टेट, शेयर और भूमि भवन में या ईंट भट्ठे में अगर पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए लाभप्रद होगा। सोना इत्यादि खरीदते हैं तो उससे भी आज आपको लाभ मिलते हुए दिख रहा है। सावधानी क्या बरतनी है, अपने पानी पर नियंत्रण करना। उपाय क्या करना है, गरीबों को भोजन करावें, भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल अर्पित करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग केसरिया, लक मीटर 8। हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे धनु राशि की। तो जो धनु राशि के जातक हैं, उनकी आज सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आज आप लेखन कार्य कर सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र से आज आपको बड़ा लाभ मिलेगा, राजनीतिक लाभ मिलते हुए दिख रहा है। अगर खास तौर से जो राजनीति में, उनको बड़ा पद, ऊंच पद मिल सकता है। विरोधी आपके परास्त होंगे, वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, बहुत स्पष्ट बोलते हैं जो लोगों को चुभता है। सावधानी क्या बरतनी है, आज आपको सावधानी बरतनी कि कड़वा बोलने से परहेज करना है, सच और कड़वा न बोलें। उपाय करना है, गौशाला में जाके गाय को हरा चारा खिलावें और भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल अर्पित करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला, लक मीटर 7। हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। तो जो मकर राशि के जातक हैं, आज आपको अकारण गुस्सा आएगा, तनाव में रहेंगे, मनमुटाव हो सकता है, इच्छा शक्ति आपकी प्रबल होगी, जितना संघर्ष करेंगे उतना बड़ा लाभ होगा। पिता से लाभ मिलते हुए दिख रहा है, शासन सत्ता सरकार से लाभ मिलेगा। जिस सरकारी कार्यों में लगे हुए तो उससे बड़ा लाभ मिलेगा और रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी, इंडस्ट्री में अगर पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद है। स्टार्टअप पिता नया खोल सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है, निगेटिव थाट ना आने दें। उपाय क्या करना है, चिड़ियों को दाना खिलावें और आज सुखी सावन का महीना चल रहा है, तब भगवान भोलेनाथ को आप एक लोटा जल चढ़ावें आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है सफ़ेद, लक मीटर है 9। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि के। जो कुंभ राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि आपकी माली हालत बिगड़ सकती है, थोड़ी सी संघर्ष की स्थिति हो सकती है, तो अपने माली हालत पर ध्यान रखें। रोग और शत्रु परास्त होंगे। विद्यार्थियों के लिए खास तौर से समय बहुत अच्छा है। जो मेडिकल के फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में या खेल के क्षेत्र में कुछ नया करना चाहते हैं वो विदेश जा सकते हैं, आयात निर्यात का योग बन रहा है। इंडस्ट्री इत्यादि के लिए थोड़ा सा भी रुकने की जरूरत है क्योंकि अभी समय थोड़ा सा संघर्षों का है। स्टार्टअप इत्यादि के लिए भी समय ठीक चल रहा है। सावधानी क्या बरतनी है, कोई काम आलस्य में आपका मन लगता है तो आलस्य न करें, नहीं तो आपका काम बिगड़ सकता है, तो आलस्य का परित्याग करें।
उपाय क्या करना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है और आपको बेलपत्र भांग धतूर भगवान शिव को अर्पित करना है और ओम नमः शिवाय एक माला तीन माला अगर जपते हैं तो आपकी परेशानियां दूर होंगी और आपके लिए लाभप्रद होगा। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है नीला, लक मीटर है 6। हरे कृष्ण। अब आइए हम बात करेंगे अंतिम राशि मीन की। तो जो मीन राशि वाले जातक हैं आज आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत सेंसिटिव हैं, छोटी छोटी बातों से तनाव में आ जाते हैं तो आपको दिक्कत होती है। एक तो दूसरी बात है कि राजनीतिक स्थिति आपकी अच्छी होगी, लाभ मिलेगा। पिता पुत्र में थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकता है, अन्य क्षेत्र से धन लाभ मिलते हुए दिख रहा है और आज आपके यश पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आज आपकी थोड़ी तनाव बढ़ सकता है, मान सम्मान को लेकर के आपके मन में चिंता हो सकती है तो मान सम्मान में वृद्धि होगी, उसकी चिंता न करें। सावधानी क्या बरतनी है, कोई चीज़ अगर स्वादिष्ट मिलता है तो आप ओवर ईटिंग करते हैं तो खान पान पर नियंत्रण करें। उपाय क्या करना है, गाय को चना और गुड़ खिलाना आपके लिए शुभ रहेगा और सावन का महीना चल रहा तो भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय या ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है पीला, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं गुरु के नुस्खे की। तो भाग्य गुरु में आइए बताते हैं कि गुरु के नुस्खे में शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को कैसे हम प्रसन्न करें जिससे हमारी माली हालत अच्छी हो। तो आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जो शुक्रवार से जुड़े महालक्ष्मी के कुछ खास उपाय हैं जो हमें धन प्राप्ति, धन समृद्धि, सुख वैभव प्राप्त करने में मदद करता है। तो सावन के शुक्रवार की शाम को महालक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें और माँ लक्ष्मी के चरणों में 7 सफ़ेद कौड़ियाँ अर्पित करें। पूजा करने के बाद अब क्या करें कि 7 कौड़ियाँ आप अपने घर के किसी कोने में दबा दें गड्ढा करके। माना जाता है कि ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही जल्दी सुधर जाती है और सुदृढ़ होती है। अगर आपके घर में कौड़ियों को दबाने की जगह नहीं है तो इसे क्या करें कि आसपास कहीं भी आप उसको जमीन में दबा दें। सावन के हर शुक्रवार को परिवार के सभी सदस्यों को सुबह स्नान करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद अपने माथे पर शुद्ध केसर का तिलक गाय के दूध के साथ घी में मिलाकर लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके आय के नए साधनों में वृद्धि होगी, धन धान में वृद्धि होगी, व्यापार में अचानक लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा सावन के हर शुक्रवार को शाम की पूजा के बाद परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ बैठकर श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। तो हम आपको बता दें कि जो सावन का महीना होता है बड़ा पवित्र होता है और इसमें हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और जो हमने अभी उपाय बताया अगर आप इसको करते हैं तो नियमित आप देखेंगे कि आपको काफ़ी लाभ होते हुए दिखेगा और आपकी माली हालत अति सुदृढ़ होगी। अब हम बात करते हैं दर्शकों के प्रश्नों का जवाब ले लेते हैं कि दर्शकों का क्या प्रश्न है। आइए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं गौरी शंकर अस्थाना जी। जी बताइए। राम राम। दूसरा मेरे लड़के का है, इसका भी विवाह अभी नहीं हो पाया है। क्या नाम है लड़के का? प्रवीण कुमार। अच्छा, प्रवीण कुमार अस्थाना। 12 अप्रैल 90 का जन्म है इसका। हाँ जी जी। और 6:15 बजे जन्म है इनका, ठीक है। ये जो प्रवीण जी हैं, प्रवीण का जन्म मेष लग्न का है, लग्नेश इनका मंगल है और लग्न में बुध बैठा हुआ है तो, और 12वें इनका शुक्र है, 11वें भाव में कुंभ का शुक्र है। मंगल शनि राहु इनका दसम भाव में बैठा हुआ है तो मंगल राहु शनि दसम भाव में बैठे हो तो ऐसे बच्चे कुलदीपक होते हैं, कुल को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। और बृहस्पति इनका तीसरे जो नवम भाव को देख रहा है तभी इनका समय कालखंड बहुत अच्छा चल रहा है। इनकी शादी का समय नवंबर 2022 से लेकर के नवंबर 2023 के बीच में होने का योग बन रहा है। तो आपके दोनों बच्चों की शादी एक साल के भीतर ही संपन्न हो जाएगा, बड़ा अच्छा शादी होगा, घर परिवार बढ़िया मिलेगा। जो इसकी पत्नी होगी, इसकी पत्नी बहुत अच्छी मिलेगी। और इनको कहिए कि ये अपना क्या करें कि प्रत्येक रविवार के दिन भगवान सूर्य देव की आराधना करें और मंदिर में पीला वस्त्र जैसे खिचड़ी है या हल्दी है, चावल है, जरूर दान करें प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन। तो इससे शादी में जो विघ्न बाधाएं आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, वो दूर होंगी। और एक काम और करना है कि इनको कहिएगा कि बुधवार के दिन गाय को अपने हाथ से रोटी और गुड़ जरूर खिलावें जी। और कोई प्रश्न? धन्यवाद। अब हम बात करेंगे आज के दिन जन्मे जातकों के जन्मदिन के बारे में। तो आज 22 तारीख है तो आज जिन दर्शकों का जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके परिवार पर बरसे, सुख समृद्धि यश पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो और आपकी मनोकामना पूर्ण हो। हैप्पी बर्थडे। यह जो आज जो जातक हैं जिनका जन्म 22 तारीख है तो खास तौर से 22 तारीख का मूलांक 4 होता है तो 4, 13, 22 और 31
तारीख के जो जन्म में जातक हो तो उनका मूलांक होगा 4। तो जो 4 वाले जातक हैं उनके जीवन में काफ़ी संघर्ष रहता है, वो कोई चीज़ उनको आसानी से नहीं मिलती और जितनी प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं उसमें उनके हौसले बुलंद होते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में आगे बढ़ते हैं, या तो टॉप पर रहते हैं या बॉटम में रहते हैं, बीच बीच में उनको रहना अच्छा नहीं लगता। तो देखा जाए तो 4 नंबर वाले लोग जीवन में काफ़ी महान उन्नति करने वाले होते हैं, असंभव से असंभव कार्य को भी संभव कर लेते हैं और बड़े टास्क ओरिएंटेड होते हैं, जुनूनी होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। किसी पर भरोसा करते हैं तो ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, नहीं करते हैं तो नहीं करते। तो आपको ये सावधानी जरूर बरतनी है कि अगर आपका कोई मित्र मंडली है या जो आपके साथ रहता है, ये ध्यान रखना है कि आप उतनी ही भरोसा करें जितना वो भरोसेमंद हो, और ये ध्यान रखना है कि आपके सेंटिमेंट का कोई अलग मिसयूज ना हो, बस ये ध्यान रखना है। और यह वर्ष आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, इस वर्ष आपकी जो टेक्निकल एजुकेशन से लाभ होगा, इंडस्ट्री इत्यादि लगाना चाहते हैं उसके लिए बहुत बढ़िया है, और सब सारे वर्गों के लिए, चाहे वह राजनीतिक लोग हैं, चाहे व्यापारिक लोग हैं, चाहे विद्यार्थी हों, चाहे किसी भी फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, सबके लिए वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण होगा। माली हालत अच्छी होगी, खासतौर से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने थोड़ा सा उतार चढ़ाव का रहेगा, पुनः मई जून जुलाई अगस्त सितंबर ये काफ़ी गोल्डन है, इसमें सारी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। धन धान के दृष्टिकोण से अच्छा है, जो भी एफर्ट करेंगे चाहे व्यापार का क्षेत्र हो चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, सब में लाभ मिलेगा। घर में नए तरह के शुभ कार्य भी होने की संभावना बन रही है। पुनः आपका सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो अंतिम 4 महीने हैं वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, उत्तरोत्तर प्रगति होगा, विकास होगा, नए तरह का घर खरीद सकते हैं, गाड़ी इत्यादि लेने का भी योग बन रहा है। पुनः एक बार आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। आज भाग्य गुरु में इतना ही, फिर हम आपसे कल मिलेंगे इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।